अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप बना सकते हैं आलू टिक्की चाट बिल्कुल मार्केट जैसी। तो इसके बहुत इजी से 3 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है पोटैटो बॉल्स बनाना, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे आलू 500 ग्राम्स, इनको हमने बॉईल कर लेना है और मैश कर लेना है। और बॉईल करने के बाद अगर आप इसको काट के डालेंगे तो आपको इसको मैश करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अभी मैं कर रही हूँ। आलू हो गए मैश, अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी लाल सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और चाट मसाला भी 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से जो रिमेनिंग है उसको भी क्लीन कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस फ्लावर, जो कि चावल का आटा होता है, 2 टेबलस्पून डालना है, प्लस साथ लेमन जूस डालना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल लें। ज़्यादा आपको अच्छा लगता है खट्टा तो यू कैन ऐड मोर। इसके साथ इसमें हम डालेंगे हरा धनिया एंड हरी मिर्चें आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें डालेंगे बटर, मैंने वाइट बटर यूज़ किया है जो कि अनसॉल्टेड होता है। आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी ऐड कर सकती हैं, बट इन दैट केस आप अपने आलू में फिर नमक कम डालिएगा और फिर सॉल्टेड बटर ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। आलू के इस मिक्सचर को अच्छी तरह आपस में बाइंड करने के लिए हमें इसको हाथ से फॉर अ मिनट करना पड़ेगा मैश, उसके बाद ये अच्छे से प्रॉपर बॉल्स बन सकेंगी। ये मिक्सचर हो गया है मैश, अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। अपने अंदाजे से छोटे साइज़ की बॉल्स बना लीजिएगा। ये मैंने बना ली बहुत सारी पोटैटो बॉल्स बहुत फटाफट। और अगर आप नहीं जानना है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बना रही हूँ तो आपको मेरी इन शॉर्ट पे एडिटिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। बॉल्स रेडी हो गई हैं और नेक्स्ट स्टेप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं चने 1 कप बॉईल हुए हुए, उसमें ऐड कर लें 1 प्याज जो कि बिल्कुल छोटी छोटी बारीक काट लीजिएगा। प्याज को ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टमाटर ऐड कर लेंगे, वो भी छोटा टमाटर लीजिएगा एक नॉर्मल साइज़ का, उसको भी छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर लें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना स्पाइसी आपको पसंद है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे इसमें थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट लाने के लिए। इन सब चीज़ों को अब हम कर लेंगे मिक्स। इसमें भी आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक।
इसके बाद कर लेंगे हम अपनी बॉल्स को फ्राई। उसको फ्राई करने के लिए इसको सबसे पहले हमने डालना है मैदे में, जो कि ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है, देन अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में। देन इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऑयल को तेज़ हीट पे गरम करने के बाद चूल्हे की आंच आहिस्ता कर लीजिएगा और फिर इन सब बॉल्स को मैदे, देन अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके फ्राई कर लें। ओके, सो अब आया हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें हम डालेंगे जनाब ग्लास में बॉल्स अपनी। सबसे पहले पोटैटो बॉल्स डालेंगे, डिपेंड करते हैं आपके ग्लास के साइज़ में। मैंने सिर्फ 2 बॉल्स ऐड की हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और फैंसी बॉल्स या कोई भी किसी भी बड़ी चीज़ में भी आप बनाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ओके, हर ग्लास में 2 बॉल्स ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे चने। चने भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम डाल सकते हैं, जितने ज़्यादा आपको पसंद हैं यू कैन ऐड। अब हम हर ग्लास को चनों से फिल कर लेंगे। चने ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। आप चाहें तो घर का बना हुआ दही ले लें या मार्केट से ले लें, इट्स अप टू यू। दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसमें हमने डालनी है पुदीने की चटनी। आप मार्केट से बनी बनाई भी ले सकते हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड की। मैंने घर में बनाई है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने चाट मसाला ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप सबसे ऊपर मैंने डाले हैं, जो मार्केट में शायद जिसको पापड़ी बोलते हैं, उसमें मैंने ली है जनाब मार्केट से समोसा पट्टी। समोसा पट्टी को लेके उसको फ्राई कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस करके चाट के ऊपर डाल दिए, क्योंकि आई पर्सनली फील इसके बगैर चाट इनकम्प्लीट रहती है। और ये हो गई हमारी आलू टिक्की चाट तैयार, बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो डू कमेंट एंड डू शेयर पिक्स ऑन इंस्टाग्राम और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।